हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विद एसके में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपसे शेयर करूंगा दिल्ली गवर्नमेंट के उस नोटिस के बारे में जिसमें HSRP और CCS को मैंडेटरी कर दिया गया है उन व्हीकल्स पर जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा CCS और HSRP क्या है, क्या लेटेस्ट नोटिस है दिल्ली गवर्नमेंट का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, नजर डालते हैं आज के कंटेंट पे। तो आज बात करेंगे फ्रेंड्स हम HSRP एंड CCS की, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का लेटेस्ट नोटिस है वाहनों से रिलेटेड। तो HSRP की पहले मैं फुल फॉर्म बताता हूँ और साथ के साथ CCS की भी मैं आपको बताऊँगा। HSRP की फुल फॉर्म है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स और CCS की है कलर्ड कोड स्टिकर्स। अब बात करते हैं ये HSRP और CCS कहाँ से लाया गया और क्यों लाया गया। तो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर मार्च में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट की थी एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी की, जिसे EPCA बोलते हैं, और डायरेक्शन दी थी कि जो भी दिल्ली NCR में व्हीकल्स हैं वो HSRP और कलर कोडेड स्टिकर्स व्हीकल्स को प्रोवाइड किए जाएं, उन पर लगाए जाएं, और 2019 के अक्टूबर तक ये कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन कुछ कारणों से ये नहीं हो पाया। लेकिन जो अब लेटेस्ट व्हीकल्स आ रहे हैं अप्रैल 2019 के बाद से इंक्लूडेड है उनमें ये चीज़ें HSRP और CCS जो है, और जो पुराने व्हीकल्स हैं 2019 से पहले के उनके जो ऑनर्स हैं उन्हें ये लेने पड़ेंगे। मैंडेटरी कर दिया है CCS यानी कि कलर कोड स्टिकर्स और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। अब मैं बताता हूँ आपको जो CCS हैं यानी कि कलर कोड स्टिकर्स जो हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं गाड़ी की, व्हीकल की या वाहन की। पहला तो रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें होता है, दूसरा इंजन और चेचिस नंबर जो है व्हीकल का वो इसमें होता है, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है यूनिक पिन अलॉट करती है, जो कि सिर्फ एक पिन एक ही व्हीकल को दिया जाता है, हर व्हीकल का अपना अलग पिन होगा। और जो पेट्रोल और CNG की गाड़ियां हैं उनका जो स्टिकर का कलर होगा वो लाइट ब्लू कलर का होगा, और जो डीजल की गाड़ियां हैं उन पे ऑरेंज कलर का स्टिकर लगाया जाएगा। ये तो रही बात कलर कोडेड स्टिकर की। अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन जो प्लेट है उसकी बात करते हैं। पुराने टाइम की तरह HSRP भी दो प्लेट लगानी पड़ेंगी, एक आगे और एक पीछे व्हीकल के। इस नंबर प्लेट पे भी 10 डिजिट का जो पिन है वो होगा और एक होलोग्राम जो है वो लगाया जाएगा। अब इसका जो फायदा है वो ये फायदा है HSRP लगाने का या नंबर प्लेट से लगाने का, जो व्हीकल है उसे आसानी से ट्रेस किया जाएगा और जो भी चोरी हुए हुए व्हीकल हैं या जो क्राइम में कमिट हो जाते हैं उन व्हीकल्स को ट्रेस कर सकेगी पुलिस आराम से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डू आई हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर HSRP, क्या कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा HSRP के लिए, यानी कि जो नंबर प्लेट्स है सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है उसके लिए का कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। देखिए, जो पहले 2019 से बाद के जो व्हीकल्स हैं अप्रैल 2019 के बाद के उनमें तो ये सब में आ रहा है, डीलर इंक्लूड कर रहा है इनकी कॉस्ट में। लेकिन जो व्हीकल्स अप्रैल 2019 से पहले के खरीदे में हैं उनके ओनर्स को, उनके जो ऑटोमोबाइल डीलरशिप हैं या गवर्नमेंट ऑथराइज जो वेंडर्स होंगे उन्हें थोड़ी सी मार्जिनल अमाउंट देकर ये वहाँ से ऑब्टेन कर लिए जाएंगे, वहाँ मिल जाएंगे आपके जो HSRP नंबर प्लेट हो। अब बात करते हैं फाइन की। अगर आप ये नंबर प्लेट नहीं लगवाते हैं जो कि मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने इस नोटिस में, तो आपको पनिश किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, और शायद 1,000 रुपये तक का भी इसमें जुर्माना लगाया जा सकेगा। लास्टली एक चीज़ और मैं इसमें बता दूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो ओल्ड या एग्जिस्टिंग व्हीकल्स के ओनर्स हैं वो अपने डीलर्स पे जाएं या फिर वेंडर्स पे जाएं, वहाँ से CCS और HSRP अवेलेबल हो जाएंगे। और लास्ट में मैंने इसमें गवर्नमेंट का जो नोटिस है वीडियो में वो भी अटैच कर रखा है, यू कैन रीड इट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह है चैनल का नाम कानून का ज्ञान विद एसके। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर लगता है वीडियो किसी के काम आ सकती है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो या कोई सजेशंस हो, अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।